नमस्ते सत श्री अकाल, मैं खुशबू लेके हाजिर हूं शो जिस दा नाम है फिल्मी वर्ल्ड, जिथे के असी लेके आने आ बॉलीवुड बॉलीवुड ते हॉलीवुड ते अंदर दिया खबरा। आज भी दसांगे थानू फिल्मी जगत ते अंदर दिया खबरा, ते भी दसांगे की चल रहा है तोडे मनपसंद स्टार दी जिंदगी दे विच। गलबात दी शुरुआत करदे आ बॉलीवुड तो, जिथे खिलाड़ी कुमार कहे जान वाले अक्षय कुमार राजपूत शूरवीर राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन ते एक फिल्म बना रहे ने। इस फिल्म के उत्ते हुण खतरे दे बदल मंडरा रहे ने, क्योंकि यशराज फिल्म्स वल्लों बनाई जा रही इस फिल्म नूं लैके चंबल दे साबका डाकू यानी कि मलखान सिंह ने अक्षय कुमार नूं एक धमकी दित्ती है। मलखान सिंह ने अक्षय कुमार नूं कहा कि उन्हां दी आउण वाली फिल्म दे विच जेकर पृथ्वीराज चौहान दे नाल जुड़े इतिहासिक तत्थां दे नाल छेड़खानी कीती जावेगी तां उन्हां नूं इह भारी पवेगा ते उह इसदा विरोध करनगे। तुहानूं दस दईए कि वैसे इह फिल्म 2020 दे विच रिलीज़ कीती जावेगी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों दे विच काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल खबरां दी मन्निए ते अक्षय कुमार राजा पृथ्वीराज चौहान दी बायोपिक दे विच नजर आने वाले हैं। हर बार दी तरह इस बार भी इतिहास से बन रही इस फिल्म उत्ते विवाद शुरू हो गया है। साबका डाकू सरदार मलखान सिंह का कहना है कि 12वीं सदी के अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन से फिल्म बन रही है। एक्टर निर्माताओं मेरी चेतावनी है कि इतिहास के विच जे छेड़छाड़ होंगी है तो वह अदालत का दरवाजा खटकाएंगे। उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के विच पृथ्वीराज के नाल नाल मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ च स्थित गुंडकुंडाल के किले की स्थापना करने वाले महाराजा खेत सिंह नूं भी नहीं भुलना चाहिए। कहानी के विच भी उन्हां दा उचित स्थान होना चाहिए है। दस दिए कि वह मंगलवार को वृंदावन के मंदिरों के विच दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए सन। हुण चल रहा बॉलीवुड दे वल। पंजाबी गायक ते अदाकार कुलविंदर बिल्ला लगातार बॉलीवुड दे विच कई फिल्मां कर रहे ने। हुण उन्हां दा एक नवा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है जिसका नाम है प्रोणियां नूं दफा करो। जी हां, इस फिल्म दा टाइटल अमरिंदर गिल दी फिल्म दे नाल काफी मिलदा जुलदा है जिसका नाम सी गोरियां नूं दफा करो। हुण कुलविंदर बिल्ला दी इस फिल्म दी शूटिंग यूके दे विच शुरू हो चुकी है ते इस फिल्म दे विच करमजीत अनमोल वर्गे कई सितारे नजर आउणगे। तुहानूं दस दईए कि इस फिल्म नूं डायरेक्ट कर रहे ने अमृत राज अते फिल्म रिलीज होवेगी 2020 दे विच। कुलविंदर बिल्ला गायकी तो अदाकारी दे विच फिल्म परौणा नाल आए अते सारयां दे दिलां ते छा गए। हुण परौणा फिल्म दे सीक्वल दी शूटिंग शुरू हो चुकी है जिस दी वीडियो भी करमजीत अनमोल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ते शेयर कीती सी। परौणियां नूं दफा करो फिल्म दा शूट विदेश च कीता जा रहा है। करमजीत अनमोल वल्लों सांझी कीती वीडियो च नायक कुलविंदर बिल्ला अते फिल्म दे निर्देशक वी नजर आ रहे हन। दस दईए कि इस फिल्म दे बारे चर्चावां पहलां तो ही छिड़ियां होईयां सन, पर हाले तक इह ऐलान नहीं कीता गया सी कि इस फिल्म दी शूटिंग शुरू होई है जां नहीं। पर हुण करमजीत अनमोल ने वीडियो सांझी कर अपने दर्शकों नूं दस दिता है कि उन्हां दी ये फिल्म जल्द ही पर्दे ते रिलीज होवेगी। हुण अगला अपडेट है हॉलीवुड तो। हॉलीवुड फिल्म वांटेड, टॉम रेडर अते हैकर वर्गियां वड्डियां फिल्मां दे विच नाम कमा चुकी हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली एक बार फिर वड्डे पर्दे ते वापसी करन दे लई तैयार ने। जी हां, इस दी खास गल है कि एंजेलिना जोली इस बार नेगेटिव किरदार दे विच नजर आउणगे। तुहानूं दस दईए कि इस फिल्म दा नाम है मैलिफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ ईवल। ये फिल्म 2014 दे विच रिलीज हुई फिल्म दा सीक्वल है जिसदा नवा ट्रेलर रिलीज कीता गया है। तुहानूं दस दईए कि इस फिल्म दे ट्रेलर नूं लोकां दे वल्लों काफी पसंद कीता जा रहा है अते लोक इस फिल्म नूं रिलीज तो पहला ही सुपर हिट दस रहे ने। हॉलीवुड फिल्म वांटेड, टॉम रेडर अते हैकर जिहियां फिल्मां तो नाम कमा चुकी एक्ट्रेस एंजेलिना जोली फिर एक बार पर्दे ते नजर आवेगी। एक्ट्रेस जल्द ही फिल्म मैलिफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ ईविल दे विच नजर आवेगी। ये 2014 दे विच रिलीज हुई फिल्म मैलिफिसेंट दा सीक्वल है। हाल ही दे विच इस फिल्म दा ट्रेलर रिलीज कीता गया है अते 32 सैकंड दा इस ट्रेलर नूं लोकां वल्लों खूब पसंद कीता जा रहा है। जारी कीते गए इस ट्रेलर दे द्वारा मेकर्स ने दर्शकां नूं इस फिल्म दी कहानी नूं जानन दे लई उत्सुक कर दिता है। फिल्मी जगत दे नाल जुड़ियां अंदर दियां खबरां अच्छियां होण अपडेट्स लई साडे फेसबुक दे ऑफिशियल पेज यूनाइटेड एनआरआई पोस्ट ते जाके होर फिल्मी अपडेट्स लै सकदे हो। सो मैनूं तो इजाजत, जल्दी मिलांगे अच्छियां होर अपडेट्स दे नाल।